एक आम आदमी रवायत पायमाल नहीं कर सकता। आज एक अब्दुर्रहमान जिसको सरदार कहना भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, आज वो जिनसे रवायत बनते हैं, जो अपने को रवाज के वारिस समझते हैं, आज उन्हीं से रवाजों के पामाली हो जाती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंस आगा उमर जान का, जिन्होंने बर वक्त एक्शन ली। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया साना बारखान, जो कि हमारे रवायात में, हमारे रवाज में, हमारे इस माशरे में एक काला धब्बा है, जो शायद इसका अजाला कई सदियों भी ना हो सके। आज एक सरदार से गरोनी हरकत हो जाती है, एक आम आदमी रवायत पामाल नहीं कर सकता। आज एक अब्दुर्रहमान जिसको सरदार कहना भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, आज वो जिनसे रवायत बनते हैं, जो अपने को रवाज के वारिस समझते हैं, आज उन्हीं से रवाजों के पामाली हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ हम तमाम बैठे मशरान, खान साहब, हमारे सरदारान मोहतरम, शायद मुझे यही लगता है कि फिर हम अपने पगड़ियां छोड़ दें कि आज एक मनूस सरदार, जिसकी वजह से किसी मजलूम के साथ इंतहाई नाइंसाफी हुई। प्रिंस साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मामले को इस जिरके के हद तक न रखा जाए, इसके लिए एक मत अमली बनाई जाए, कबायली भी एक मत अमली बनाई जाए इसके लिए, इसके लिए गवर्नमेंट के सतावे भी एक मत अमली बनाई जाए, ताकि आने वाले दिनों में किसी का इस तरह नुकसान न हो जिस तरह इस मनुष्य शख्स ने किया है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने तमाम मशरान से, सरदार साहिबान से, खान अफकारत के भाई प्रिंस आगा उमर जान से, कि एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए ताकि हम अपने रवाज, अपने रवायात, अपने चादर और चार दीवारी की इज्जत वकार को हमेशा बरकरार रख सके। अगर आज एक मजलूम के साथ ऐसा वाकया हो जाता है, मेरे मोहतरम दोस्तों, शायद कल यह दिन हमारे लिए भी आने वाला है। आज अगर इन्हें अकेले छोड़ेंगे, तन्हा तन्हा छोड़ेंगे इन्हें, एक जाबिर के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, शायद ये कल फिर हमें भी देखना पड़ेगा। आज एक मजलूम की आवाज बनने की वक्त है, उन्हें साथ देने का वक्त है। खान साहब, मैं बहसियत थे एक सरबरा लांगव कबीले की तरफ से, मैं आपके हुक्म पर इंशाल्लाह ताला अपने मरी कबाइल के साथ, इन मजलूमों के साथ, आपके या हमारे सरदारा साहिबान की मशावरत से जो भी ताबून होगा, इंशाल्लाह हम इस पे पूरा उतरेंगे। और आइंदा भी कोशिश यही रहेगी कि इस जुल्म के जेब के खिलाफ ये कहीं भी हों, कहीं के साथ हो चुका है, लिहाजा इसके एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए, एक ऐसी मेंबर बनाई जाए, ताकि हर जुल्म जिब्र के खिलाफ हम आवाज उठाए और हिकमत अमली के साथ उन्हें हल करें। बहुत शुक्रिया।